घर से चले और ये कहलगांव स्टेशन आ गए। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, सुपर एक्सप्रेस थोड़ी देर में आएगी। और भीड़ देखिए, सिर्फ आज का नहीं है, पूरे साल ऐसा ही भीड़ रहता है और वेटिंग लिस्ट हर दिन हर साल रहता ही है। सरकार ये ट्रेन ला रही है, वो ट्रेन ला रही है, वंदे भारत ला रही है, बट जिस एरिया में राइडरशिप पूरे साल एक्सेस रहता है, वेटिंग लिस्ट रहता ही है, उधर आप एक्सेस ट्रेन या एक्सेस बॉगी क्यों नहीं लगाते, ये बात पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ये है सुपर एक्सप्रेस जो चलती है जमालपुर से हावड़ा, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसी से जाना होता है कोलकाता। आज भी इसी से जाएंगे। और रश ऐसा ही रहता है हमेशा, हर दिन। सुबह दिख भी अच्छा रहा है, मौसम ठीक है। अब सोचना है कि क्या करना है, फ्लाइट है 12 बजे, तो वही सोचना है कि क्या करना है। तब तक एयरपोर्ट चले जाए या स्टेशन पर ही फ्रेश हो लें, सोच के फिर डिसाइड करना है। बात पता चला कि कोलकाता एयरपोर्ट का सबसे नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर एंट्री ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको एंट्री के लिए एक लिफ्ट लेना पड़ेगा यहाँ से, इसके एक ऊपर वाला फ्लोर जाना पड़ेगा, वहाँ से एंट्री। ये देखिए इस तरह का लिफ्ट। हर साल की बात है, इस साल भी लॉन्च में आ गए, लॉन्च में बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट पे टाइम बिताने का सबसे अच्छा तरीका यही है, लॉन्च में आके बैठे हुए, नहीं तो सॉलिड बोर होगा। तो ये कोलकाता का लॉन्च है मेरा फेवरेट, खाना वाइज, खाने वाइज, इंटीरियर वाइज नहीं, खाना यहाँ का सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से। तो लॉन्च देखिए, तो भाई पीछे से ही चढ़ेंगे, आगे पूरा भीड़ हो जाता है। ये देखिए लाइन लगा के, तो चले पीछे, पूर्वक लोग उधर लाइन लगा के खड़ा है, इधर इतना खाली है। सत्रह नंबर कहाँ है? सत्रह 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 सत्रह